तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है अपने ईगर ब्लॉग में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने कपड़े क्यों डाले हैं और अभी टाइम क्या हो रहा है। तो अभी है रात के बजने 7:30। अच्छा, मतलब बाहर अंधेरा हो गया इसलिए रात के 7:30 बज रही। तो अभी मैं घर से आया हूँ और मैंने कुछ शॉपिंग की है। तो क्या नाचो मैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि मुझे अपने इनके लिए इसके लिए पर्दे लेने थे, तो मैं घर गया था। तो घर पे थी मम्मा, जिन्होंने बोला कि मैं तेरे को लेके देती हूँ। तो फिर मम्मा ने पर्दे लेके दिए जो कि मैं लेके आया हूँ, जो कि इसमें पड़े हैं। सबसे पहले तो मैं कपड़े चेंज करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने पर्दे लाया कैसे, तो कलर क्या है ना क्या है, ये दिखाता हूँ आपको। और भी कुछ लाया है मैंने अपने खाने के लिए, ये बनाना थोड़े से लेके आया हूँ। अब ये है काले चने, जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, मुझे लगता है काम आएंगे मेरे खाने के। सालों कोई कमेंट नहीं करेगा कि तुम घोड़ा था पिछले जन्म में, पर छोटी छोटी बातें नहीं करनी यार अपने साथ, अच्छी अच्छी बातें करनी अपने साथ, समझे करो बात को, ठीक है? तो सबसे पहले तो बस से ट्रांजिशन करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कैसे लेके आया हूँ। सबसे पहले कैमरा सेट कर लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भी एक लाइए मैंने बेडशीट, एक मिनट पहले वे दिन कैमरा अच्छा आ रहा है कि नहीं। तो एक लाइए है मैंने ये बेडशीट पड़े लिए, एक पहले लेके आया था मैं, और एक ये रही अच्छी सी बेडशीट हमारी, और ये फुट रेस्ट है ना, थोड़ा कलर ठीक नहीं है बट फिर भी ठीक है, नीचे डालने के लिए। और ये एक और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। उसके बाद जी रहे अपने पर्दे, ये है कुछ चॉकलेट कलर के हैं, पता नहीं हमको कैसे दिख रहे हैं, मुझे भी पता कैमरे में कैसे दिख रहे हैं, लाइट कम है क्या। ये है एक लाया मैंने, एक जी वाला कलर लाया है, और इसके ऐसे मैंने दो पीसे लेके आया, ठीक है, और एक ये वाला क्रीम कलर लेके आया हूँ, शायद अच्छे लगेंगे, लगा के देखते हैं थोड़ी देर में। ये कुछ लेके आया था मैं अपने लिए, ओके दो चार से लाए, अब इसको एक करके लगाते हैं फिर देखते हैं कैसे लगता है। और एक मैंने ये वाला लाया अपने शूज़ रखने के लिए, ये वाला इसके ऊपर रखेंगे थोड़ी देर में। और क्या लेके आया हूँ मैं, एक मिनट, एक घी का डब्बा, साथ में थोड़ा सा अचार नींबू का एंड थोड़ा आम का अचार, बढ़िया मस्त। ये कुछ फ्रूट्स है जो कि मम्मा देखने मम्मा ने लेके दिए थे, थोड़े से दो मैंने खुद ही लेके आ गया, थोड़े से फ्रूट्स जो मम्मा ने डाल के दिए थे, घर के फ्रूट है यार, ओरिजिनल घर का फ्रूट था, तो मम्मा वो लेके आई थी। तो बाकी A few moments later इसको भी लगाते हैं, ठीक है, इनको भी लगाते हैं उधर। मैं सोच रहा हूँ कि ये एक और दो लगा के, मतलब ये दो लगा के देखता हूँ, अगर वहाँ पे ठीक आ गए तो ठीक है, नहीं तो एक हम ये तीसरा क्रीम कलर का बीच में डाल देंगे। इधर लगानी जरूरी है ना, आई थिंक यहाँ वाशरूम वाले, इधर लगा दूँ या उधर लगा दूँ, देखते हैं। A few moments later यार मैंने पर्दा तो लगा दिया, पर एक चक्कर है यार इसमें, पता क्या चक्कर है, ये थोड़ा मतलब ये ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, ये वाली चीज़ ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ एक वाइट वाला बीच में लगा दूँ, पर मुझे एक वहाँ पे भी लगाना है, पर अपने वाइट वाला वहाँ लगाऊँगा तो शायद अच्छा ना लगे। तो एक काम करेगा, एक बीच में ब्लैक रखते हैं, इस साइड वाइट, मतलब वही क्रीम कलर, और इस साइड वाला क्रीम कलर रखते हैं। मैं ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगता है, ठीक है, आपको भी दिखाता हूँ। 2000 years later guys maine laga to diye chakkar hai yaar, ek baar kaise lag rahe hai, thoda main door se dikhata, ruk jao, kaisa lag raha hai, chalo tum log comment karke batao kaise lag rahe hain, jab mujhe bataoge inko kaise lagana chahiye, वैसे मुझे तो थोड़े थोड़े ठीक ही लग रहे हैं, बट आप कमेंट करके बताना ये कैसे लग रहे हैं। बाकी बचा हुआ ये लगा देता हूँ,
ठीक है ना। तो ये वाला फाइनली मैंने लगा दिया, ठीक है। कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। ये वाला लगा दिया और ये वाला, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है मेरा रूम। 2000 years later. गाइस देखो, अकेले रहने के फायदे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि तुम कभी भी खाने खा सकते हो, बिना खाना खाए सो भी सकते हो। पर सबसे बड़ा नुकसान क्या पता था भाई? खाना बनाना पड़ेगा। कितने देर तुम भूखा रहोगे? जस्ट अभी पहुँचा हूँ मैं, पर्दे लगा के अब मुझे खाना बनाना है। चलो फिर खाना बनाते हैं। एक तो मेरी किचन में लाइट कम है यार, ब्लॉग में बहुत दिक्कत दे रही है, लाइट में लाइट का प्रबंध करना पड़ेगा। सब्जी थोड़ी बनाते हैं, खाना बनाते पड़ता मिलता मैं। और अगर तुम्हें ब्लॉग्स बोरिंग लगते हैं ना, तो स्वागत है आपको मेरी बोरिंग लाइफ में, क्योंकि नॉर्मल लाइफ ऐसी होती है भाई, ऐसी होती है। नॉर्मल लाइफ दिखाएंगे आपको, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ ऐसी होती है। 2000 years later. भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली अपना खाना रेडी है। देख रहे हो, थोड़ा सा घी, थोड़ी सी गोभी और थोड़ा सा अचार, मस्त खाना खाते हैं। तो आज आपने देखा कि मैंने कुछ पर्दे वर्दे लाए थे वो लगाए, थोड़ा सा खाना बनाया। अभी और कुछ ज़्यादा नहीं मेरे पास खाने के लिए आपको। एक हम मूवी देखने वाले हैं, एक मूवी मून करके कुछ। अच्छा बताना एनिमल किस किसने देखी? मैंने देखी, बहुत अच्छी मूवी है। आप भी बताना कि आपको कैसी लगी। आप सोच रहे हो मैं क्या ब्लॉग करता हूँ? डेली लाइफ में जो नॉर्मल चीज़ें होती है ना वही दिखाता हूँ, क्योंकि नॉर्मल लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है, और जो इंसान इस चीज़ को देख सकता है ना वो कुछ भी देख सकता है। तो भाई मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय।